उन्हें नागवार गुजर सकती है। आपकी कविता राष्ट्रवादी गुब्बारे की हवा निकाल सकती है, वो बहुत कमजोर होता है और कविता आप जानते हैं बहुत तीखी होती है, लेकिन फिर भी कुछ मजदूर लोग कभी बने रहने की बेतुकी जिद पर आए हैं। दोस्तों, इस दौर में औरत होना भी खतरनाक है, क्योंकि औरत की छाया से अक्सर ही धर्म की धोती खिल जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि खतरा बाहर, लेकिन औरत होना चार दीवारी के भीतर घर के सबसे सुरक्षित कोने में भी खतरनाक है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इन चेतावनियों का आप पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि जो सामने मेरे बैठी हैं ये औरत होने की जिद पर अड़ी। दोस्तों, इस दौर में मुसलमान होना, ईसाई होना, हिंदू होना, अगर अल्प है तो, या आदिवासी या नास्तिक होना खतरनाक है, क्योंकि राष्ट्रवाद की मूल परिभाषा में एक ही धर्म की गुंजाइश होती है। राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो दिमाग पर पलता है। इसलिए जिन धर्मों को आप मानते हैं या नहीं मानते, वो अगर राष्ट्रवादी धर्म नहीं है तो आपको खतरा। बनाने वाले, चाय बनाने वाले, ये सब यहां जमा हो जाए, इसलिए बहुत खतरनाक। तो दोस्तों, इस सब का जवाब यही है कि इंसान होने की जिद पर आए रहिए और सत्ता की हिंसा के लिए खतरनाक हो जाइए, क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान होने की कोशिश क्या लिखना है। अकबात पे कोड़े और जिंदा, अकबात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जा। अकबात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जा। अकबात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जा। अपना बनवारो, औरत पे ना अपना बनवारो, मेरे